ऑनेस्टली मैंने हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना की थी कि वेन एवर आई है बाकी भगवान की जो मर्जी बट पहली मुझे लड़की दे सो यून लॉर्ड ऑफ रियालिटी शोज सो लेट बिग बॉस इन बिग बॉस अंदर बड़ा स्ट्रेसफुल बाहर बहुत अच्छा बिकॉज वो शो आपको बहुत रियल फैंस देता है यूके में यूरोप में जाओगे ना तो एक वायलिन वाला आएगा तो उसकी सर्टन फीस होती है इतने घंटे की इतनी फीस इतने घंटे की इतनी फीस यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा लगे जायरी वन वेलकम टू फेमस टीवी आई एम योर होस्ट एकता जंगी एंड टुडे वी न्यू गॉट रियली स्पेशल विद अस ही इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड काइंड हार्टेड वेरी एंडियरिंग एंड चार्मिंग He's a singer, composer and one of the finest live artist performer. He began his journey in 2005 as the second runner up in the iconic talent hunt show Indian Idol. Since then he has appeared in various reality shows like Fear Factors, Khatru Ke Khiladi and Big Boss 14. So let's welcome Rahul Vaidya. Hi Rahul, welcome to Famous TV. Uh, firstly, I want to congratulate you for the new addition in your family, your little baby girl. How does it feel to be a father? Mm -hmm. Thank you Ekta, for having me over here. And, uh, honestly, मैंने हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना की थी माई फर्स्ट चाइल्ड बाकी भगवान की जो मर्जी वो दे दे बट पहली मुझे लड़की दे uh, एक ग्रेस और बहुत एक फैमिली को ना बहुत वैल्यू ऐड करती हैं इन लॉड ऑफ वेज ऐसे नहीं कि लड़के नहीं ऐड करते मैं खुद एक लड़का हूँ बट आई नो द द दाम्थ एंड द द ग्रेस दैट गर्ल्स ऐड यकीन मानो अगर हम सौ लोगों से पूछ रहे थे कि क्या लगता है लड़का होगा लड़की होगी सब लोग लड़का बोल रहे थे एंड इन फैक्ट जब दिशा वॉज गोइंग इन टू हवर डिलीवरी रूम उस वक्त उस रूम में सिर्फ मैं मेरी मॉम दिशा की मॉम और uh, दिशा के भाई हम चारों ही बैठे हुए थे तो जाने से पहले मैंने आखिरी बार पूछा मम्मी को मम्मी बताओ लड़की है लड़का मम्मी कहती है लड़का मैंने दिशा की मम्मी को पूछा मैंने कहा मम्मी लड़की या लड़का कहते हैं लड़का आ, मामा को पूछा मतलब दिशा के भाई को तो कहता है कि लड़का मैंने कहा लड़की होगी देखना एंड हम गए हैं ऑटोमेट मतलब ऑपरेशन शुरू हुआ है एंड फाइव ट्वेंटी सेवन ऐसा उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला है डॉक्टर कहती है कंग्रेचुलेशन इट्स अ ब्यूटिफुल बेबी गर्ल जब ये हुआ एकता में राइट टॉप भी बात करते करते अब मैं

So tell me about, uh, Disha. How did you डिड Instagram पे मिले हम So लोग अक्सर कहते हैं कि uh, Instagram पे you can't find your actual partners. आप flings आपको मिल सकती हैं इंस्टाग्राम पे but your real life partner you can never get. But नहीं ours हमारी जो कहानी है love story है Instagram की love story है uh, मेरा एक गाना आया था मेरे रशके कमर तो वो जितेश पिल्ले जो हैं फिल्मेयर के एडिटर उन्होंने वो गाना शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे उस इंस्टाग्राम की पोस्ट पर दिशा वॉज फॉलोइंग जितेश सो जितेश की पोस्ट पर दिशा ने लिखा कि वेल डन एंड शी टाइग मी तो मैंने देखा यार बड़ी सुंदर लड़की है फिर फिर क्या बस सुंदर लड़की दिखे फिर मैं शुरू हो गया एंड वी स्टार्टेड चैटिंग तो तब हमारी बातचीत शुरू हुई वी मेट एंड बट जब हम मिले थे तब मुझे ऐसा दूर दूर तक नहीं लगा था कि हमारे बीच में कभी कुछ होगा बट मुझे इस चीज़ का रीजन बाद में पता चला क्योंकि दिशा जब मुझे मिली उसके जस्ट फिफ्टीन डेज पहले उनके फादर पास्ट गई तो ये मुझे बहुत दिनों बाद जाकर पता चला शी वॉज वेरी ऑफ तो मैंने कहा ये लड़की ऐसी क्यों है मतलब शी इज़ नॉट नॉर्मल फिर मुझे पता चला यार किसी के फादर पंद्रह दिन पहले ऑफ हुए हैं तो कैसे कोई नॉर्मल होगा बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक शी वॉज वेरी कम्पोज एंड शी वॉज वेरी नाइस फिर उदयपुर में हम एक दिन थे मैं किसी शादी परफॉर्म कर रहा था दूसरे दिन उस शादी पे ना बहुत बड़ा एक संगीत था जहाँ पे करण जौहर होस्ट कर रहे थे एंड यू नो बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे थे इट मीडिया किसी उनके घर की शादी थी तो दिशा ने मुझे पूछा कि आप अपनी शादी में इतना करोगे क्या तो मैंने उसको पूछा अपनी शादी मतलब मतलब इन योर वेडिंग तो तब मुझे पटैक करके वो लगता है ना एक अवेकनिंग थप्पड़ लगता है ना आपको जिंदगी से काफी बार जगाने के लिए मतलब इसका ये है कि मेरे दिमाग में ऐसा था कि हम शायद साथ में हैं बट जब उसने ऐसा सवाल पूछा तो मुझे लगा कि यार इसके दिमाग में तो मेरी शादी अलग है एंड इसकी शादी अलग है तो उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार इससे पहले देर हो जाए बिकॉज तो सब तक मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं भी थोड़ा बहुत शु... सोचने लग गया था कि आई थिंक शी इज़ द गर्ल कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं मैं इस मामले में क्लियर नहीं था मैं ज़िंदगी में काफ़ी क्लियर रहा हूँ बट इस मामले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहा हूँ एंड अक्सर आप सब लोग मेरे से अग्री करते होंगे कि पर्सनल लाइफ में हम बहुत कन्फ्यूज होते हैं वी ऑफन एंड अप विद द रॉन्ग पीपल इफ यू आर लकी वी एंडल बट आई थिंक ये पूरा भाग्य है ये तो मैं जिंदगी में कौन आपके आएगा लाख किसी को मना कर लो लेकिन अगर आपके भाग्य में वो लिखा हुआ है लिखी हुई है तो आपकी उसी से शादी होगी एंड uh, कितना भी उसके साथ कर लो कि मैं इसी के साथ करूंगी बट अगर कर वो नहीं लिखा हुआ है सो so, वो नहीं होगा nice.

लोग कहते हैं ना मैं ये कर दूंगा मैं ये कर दूंगी मैंने ये किया मैंने वो किया आप कुछ नहीं करते हो हो ऊपर वाला आपसे घर आता है इसीलिए जो आपसे कम सक्सेसफुल है उसके ऊपर ये ऐसे ना देखो कि अरे ये तो ऐसा ही है या जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है उससे जेलस भी मत हो बिकॉज उसको ऊपर वाले ने दिया है उसको भगवान ने बोला है कि यार तू इतना आगे जाएगा ज़िंदगी अब तू इतनी जाएगी सो इट्स हिज और हर जर्नी तो जैसे किसी so और की जर्नी होती वैसे अपनी जर्नी होती Just try and be happy and enjoy your own journey because eventually that's all that matters. I agree. Well, I just have to say you guys look very cute together and I've yeah. seen so many pictures and it's all viral everywhere. Okay, let's talk about your uh, music journey. So at what point did you think you wanted to pursue uh, singing as a career? When I was in the second third standard, I was in my, my, my government servant. तो उन्होंने यू नो गवर्नमेंट सर्वेंट में हम जब रहते हमारी कॉलोनी में मैंने गाना शुरू कर दिया था तो जब मैं परफॉर्मेंस करता था तो लोग काफ़ी खुश होते थे कहते थे कि यार आप इसको और आगे बढ़ाओ इसको मुंबई लेके जाओ हम मुंबई से बाहर रहते थे धनी तो।, तो आप इसको मुंबई लेके जाओ सुरेश वाडकर जी का एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप इसको लेके जाओ इसको गाना सिखाओ तो करते करते चीज़ें होती गई होती गई मेरा एक्चुअल करियर टर्न हुआ टू में एंड अगेन देखो भाग्य की बात होती है टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी मेरा बर्थडे होता है मिठी कॉलेज के बाहर जो लोग मुंबई से हैं वो जानते होंगे मिठी कॉलेज के बाहर एक वड़ा पाव की बड़ी फेमस जगह है जिसको धीरज कहते हैं अब तो खैर बड़ी सारी हो गई वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ धीरज हुआ करता था वड़ा पाव बड़ा फेमस था उसका मैं वड़ा पाव खा रहा था एक ट्रक आया सामने से उस ट्रक के ऊपर लिखा था इंडियन आइडल इंडियन आइडल उस टाइम पे किसी को नहीं पता था बिकॉज उस तब तक आया नहीं था इंडियन आइडल मेरे दोस्त कहते हैं यार ये तो कुछ गाने वाने का लग रहा है तो अमन वर्मा होस्ट थे तो वो बोल रहे थे ट्रक के ऊपर कि यार अगर आप में है हुनर तो गा के दिखाओ तो मेरे दोस्त कहते हैं जा भाई जाके गाना गा दे तो मैं गया मैंने गाना गाया सो ही सर आप तो बहुत अच्छा गाते हो ही गेम यास या ऑडिशन का पास उसके एक डेढ़ महीने बाद मेन ऑडिशन हुए दादर में वो मेन ऑडिशन मेरे हुए आई थिंक अक्टूबर में नवम्बर में शो शुरू हुआ मार्च में शो खत्म हुआ फ्राम नवम्बर टू मार्च मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी was... मैं सत्रह साल का था अंडर एज था जब पहली बार मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भरने थे तो क्योंकि मैं adult नहीं था 18 साल की उम्र होती है जिसके बाद आप एडल्ट माने जाते हो तो पहली बार मेरे को याद है जब मैंने आईटी रिटर्न फाइल करे थे तो पापा की साइन भी लगी थी तो ये मुझे एक मतलब बात याद है सीए ने मुझे कही थी कि आप, आपके अकेले की साइन नहीं चलेगी

अगर इससे कुछ भी उनको फायदा हो सकता है तो आई थिंक मेरा भला है मेरी इसमें विक्ट्री है आप कभी भी देखना माँ बाप की आपको ये होती कि यार आप ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी की बात होती है कि यार मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ तो कर ले जॉब तो कहीं कर लेगी हम सब मिडिल क्लास घर से आए हुए हैं तो हमारे माँ बाप की सोच ऐसी है हमारे पास थोड़ी लाखों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं कि कुछ ना करे तो भी चलता रहेगा घर चल जाएगा ऐसा तो है नहीं तो कहीं ना कहीं मॉम डैड का हमेशा ये था इंडियन आइल खत्म वो और मैं शोज करने लग गया एंड शोज इज इंस्टेंट मनी जो कमाई होती है वो शोज से होती है तो जब मैं सेवनटीन का था तब से वो चलने लग गया तो मेरी लाइफ इन अ वे सेटल्ड होती रह गई हाँ प्रोफेशनल चैलेंजेस तब भी थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे जब आप शुरू करते हो तब आपके अलग चैलेंजेस होते हैं जब आप एक सक्सेसफुल होते हो तब अलग चैलेंजेस होते हैं जब आप सुपर सक्सेसफुल होते हो तब आपके और चैलेंजेस होते हैं और जब आप फिर फेल होने लगते हो तब आपके अलग चैलेंज challenge. चैलेंजेस तो हर वक्त हैं हर जगह हैं हर पड़ाव पर हैं आप अपने आप को कैसे रख पाते हो दैट्स ऑल दैट मैटर्स सो इज देयर एनी सिंगर दैट यू लुक अप टू और यू ऑलवेज लुक्ड अप टू व्हाइल ग्रोइंग अप मैं जब बड़ा हुआ तब मैं हार्डकोर फैन रहा हूं सोनू निगम का मतलब राइट फ्रॉम आई थिंक मैथ तेरह चौदह साल का था जब एक लड़की को समझ आती है ना कि करना क्या है मतलब तो दीवाना था मैं दीवान में दीवाना उनकी like yes. you know, कि like कि होता है कि जब आप किसी को करते तो आप उसकी तरह क्रिकेटर किसी को फॉलो करता है तो उसकी तरह ही चांस हो जाता है तो, तो मैं उनको मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया है बहुत ज़्यादा उनको माना है उनके सिंगिंग को फॉलो किया है मैंने मेरी म्यूज़िक की तालीम जो है वो ली है सुरेश वाडकर जी से और पदमा वाडकर जी से बाकी रफ़ी साहब किशोरदा के के और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अरिजीत मतलब ही इस तो वो तो मतलब इनसाइक्लोपीडिया है वो उसका आई थिंक देर इज़ नो एंड टू इज ही कैन सिंग एनी थिंग एवरी थिंग एंड विद सो मच ईज एंड मैं ऐसा हक्का बक्का रह जाता हूँ कि अच्छा ये भी

यू कैन बेटर इट हाँ अगर हाँ, मैं आज एक सिंगर हूँ तो मैं रियाज करते करते कुछ अलग स्टाइल करके मैं उसमें मास्टर ही कर सकता हूँ बट आई नीड टू हैव इट वो कहते हैं ना अगर आपको बढ़िया सब्जी बनानी है तो एक बेसिकली जो सब्जी की फ्रेशनेस है वो जब तक नहीं रहेगी तब तक आप कितने भी मसाले क्यों ना डालो वो हो नहीं सकता तो जितने माँ बाप हैं जो सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चे को मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्लीज सजेस्ट मी एक अच्छी सी कोई ट्रेनिंग एकेडमी पहले देख लीजिए कि एक्चुअली आपका बेटा या बेटी गा सकता है कि नहीं सर्डन लेवल पे एंड इफ यू थिंक दैट यू नो ही और शी हैज़ गॉट इट एंड मैं कहता हूँ गा सकता हूँ तो ये नहीं कि सबने क्लासिकली गाना है सबका अलग अलग स्टाइल होता है किसी की आवाज़ बहुत बढ़िया होती है कोई शायद बहुत अच्छा गा नहीं सकता लेकिन उसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि उसकी आवाज़ के लिए उसको काम मिलता है सो so अगर वो है सो प्लीज़ गो फॉर इट बट मेक श्योर दैट वो एटलीस्ट बेसिक

वजह से अपना नहीं कर पाए तो उसका ये नहीं कि आप अपने हाँ, अपने बच्चों के थ्रू पूरा करें वो कहने सुनने के लिए अच्छी लगती है बातें oh सपना पूरा किया बट वो उस वक्त ताली बजाने के लिए बहुत अच्छी बातें होती हैं बाते नहीं काम करती हैं हाँ ये हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत है भी, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए आई थिंक मतलब आई थिंक लाइफ इज ब्यूटिफुल सबकी अपनी अपनी जर्नी है So, what is your uh, Riyaz ritual like? When the performance ritual, however, you. Um... Uh, 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 uh... So pleasant, है। या हाथ ऐसे शांत हो जाती, yeah, sure. एकदम हो जाती है।, एकदम है एकदम तो ये मेरा रियाज है ये गाड़ी में बाथरूम में फ्लाइट में एयरपोर्ट पे क्योंकि काफी बार आपको नहीं मौका मिलता कि आप सुबह उठ के आराम से अपने बेडरूम में कर सकते हो नहीं होता यार नहीं। right. तो गाड़ी में आजकल ट्रैफिक मुंबई आप जानते हो एक जगह से बंड्रा जाने में दो घंटे लग जाते हैं करोगे क्या सो सो यूज द टाइम फॉर दिस इज यू डू इट हाउ लॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है कोशिश जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है बट आजकल डिस्ट्रेक्शन बहुत हैं दुनिया में अब वो डिस्ट्रेक्शन को पीछे रखते हुए आप जितना कर पाओ आई थिंक so does it feel like meditation it does right yeah. abhi bhi hai na thoda oh, sa yeah, exactly. from i just feeling very... i can see yeah, that i can see that it is meditative definitely it is definitely meditative you feel great about it 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 gives you at peace it keeps it keeps you at peace and ah uh, तो ये एक्चुअली फोक है ये yeah. तो वहीं से दिस इज ब्यूटिफुल क्लासिकल म्यूजिक मैं वो रॉक पॉप में नहीं हूँ ज्यादा बड़ा देसी आदमी हूँ मैं नहीं क्लासिकल सिंग क्लासिकल म्यूजिक इज द थिंग नो इट्स द बेस अगर आप it, वो गा सकते हो तो आप कुछ भी गा सकते हो आई एग्री एंड इट इज सो प्लेजेंट ओके सो यू ऑल्सो डू कंपोजिंग हाउ वॉट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉन्ग इन सी uh, एक एवरी सिंगर इज अ कंपोजर या ओके उसके अंदर एक कंपोजर होता ही है कुछ लोग उसको कल्टीवेट करते हैं कुछ लोग उसको बढ़ावा नहीं देते हैं मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कुछ धुन कभी गिटार के साथ बैठे होते हो तो कुछ आप एक बजाते हो कभी कीबोर्ड बजाते हो पियानो बजाते हो तो पियानो बजाते, तो बजाते हैं तो कोई ट्यून एक आ जाती है अच्छी यू यू फील दैट इट्स अ अ ग्रेट ट्यून सो नो इज सॉन्ग सॉन्ग इज नथिंग एल्स बट एक्सप्रेशन ऑफ जैसे फॉर एग्जाम्पल एकता

ओके okay, सो so um, so, uh, बड़ा लिया बाहर बहुत अच्छा बिकॉज वो शो आपको बहुत रियल फैंस देता है ओके okay. बिकॉज आप उसमें ना उस आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर आती है रियल पर्सनालिटी बाहर आती है आप कब तक लाइक करोगे बताओ मेरे को आपके साथ हम मैं आपको एक रूम में छोड़ दूँ इस रूम में तीन कैमराज हैं वहां पे 140 या पता नहीं कितने कैमरास होते हैं सो एवरीथिंग अराउंड यू इज कैप्चर्ड एवरीथिंग अराउंड यू इज कैप्चर्ड तो आप कितना झूठ बोलोगे आपकी रियल पर्सनालिटी हर मोड़ पर ना सामने आती ये सब पर्सनालिटी बेस्ड रियलिटी शो बट वहां पे मुझे आई डोंट नो आई आल्सो थिंक दैट दे आल्सो हैव दैट कंट्रोल ऑफ क्रिएटिंग अ नैरेटिव नो दे कैन द फॉर्मेट इज सच एवरीबॉडी इज इंसटीगेटिंग यू तो वो और एडिटिंग मतलब 24 आवर्स में से द फुटेज दैट पीपल सी इज व्हाट हाफ एन आवर 1 आवर तो उसमें यू कांट टेल द कंप्लीट स्टोरी ना एक दिन में बहुत कुछ होता होगा आपकी बात सही है कि वो बहुत सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है आ, बट देखो वो क्या क्या नहीं दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे ये उनके हाथ में है बट बट आप क्या करोगे ये भी तो आपके, आपके आप आप हाथ में है वो ऐसी तो कोई चीज दिखा नहीं सकते जो आपने करी ही ना हो। सो इवेंचुअली ट्रूर वॉट पीपल आर सींग ऑफ यू इज वॉट यू आर डू तो लोग बोलते हैं मुझे अरे स्क्रिप्टेड है ना बिग बॉस स्क्रिप्टेड अरे भैया स्क्रिप्टेड मतलब वो हमको स्क्रिप्ट थोड़ी देते हैं एक बात बताओ मेरे को आपका मेरा झगड़ा हो रहा होगा मैं आपको पचास पेज की लाइन दूंगा आप याद कर पाओगे जब हमारे इतने हम आग बबूले को रखे होते हैं उसके वक्त कौन सी स्क्रिप्ट कुछ नहीं याद रहता यार हाँ सिचुएशन वो होते हैं सिचुएशन वो क्रिएट करते करते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि यार यू you नो know, आपको इसके बारे इसके बारे बारे में में दो चीजें बोलनी किसी को नॉमिनेट करना है कंट्रोल तो हुआ ना तो no? yeah, yeah. बट वो, मतलब, तो वो भी कुछ अलग चैनल पे आस्था चैनल पे अपना शो बनाते वो कलर्स पे अगर अपना शो बना रहे हैं तो बिग बॉस बना रहे हैं, वो कोई मतलब भारत की प्रेम गाथा थोड़ी बना रहे तो आई थिंक

मेरे को ऑफर करते थे ओके अक्टूबर टू मार्च इज माय बिजीस्ट टाइम मैं बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंसेस करता हूँ मोस्टली वही वो अक्टूबर से शुरू होते हैं और वो मार्च तक जाते हैं बिग बॉस भी हर साल अक्टूबर से फेब तक जाता है तो वो हर साल से मेरे को ऑफर करते थे बट मैं कभी जा नहीं पाया ओनली फॉर अ रीजन की जो जो रेवेन्यू मैं शोज से कमा पाता हूँ वो टेलीविजन मुझे नहीं देगा राइट right. कोविड आ गया शोज तो बंद हो गए तो मैंने कहा अब तो कुछ ही नहीं कुछ है नहीं तो ये कर लो मैं इस प्लान से गया था कि पांच छ हफ्ते रहूंगा मैक्सिमम वैसे भी मैं झगड़े वाला आदमी हूँ नहीं तो वैसे मुझे बाहर कर देंगे चीजें होती गई होती गई होती गई चीजें बनती गई बनती गई बनती गई, बनती गई और मैं हो गया बट यूर पीपल इनिटी what was so do you think it all that toxic environment did it impact your mental health and it was toxic right well, toxic hota hai ladaiyan jhagde hote hain but matlab ha stressful to bahut tha wo but i don't think yes it affected me bahar aane ke baad bhi you were okay i think मेरी inner health को शायद by default अफेक्ट किया होगा जो मुझे आ, uh, शायद realize ना हुआ होगा बट ऐसे एक्सटर्नली तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है बट करियर वाइज इट बेनिफिटेड यू अलॉट वेर इनफ अलॉट बिग बॉस ऐसा शो है कि हर हर श्रेणी के लोग उसको देखते हैं एवरी मास ऑडियंस सीज दैट दैट शो सो राहुल आई ये जो भी सिंगर्स हैं नो मैटर सिंगर लेवल दे आर आर दे नॉट पेड फॉर प्ले बैक सिंगिंग प्लेबैक सिंगर्स को पैसे मिलते ही नहीं है बस ये चला रहा है। क्योंकि producers और सोचते हैं 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 कि यार ये तो तो से कमा लेगा काफी बार तो बाद भी नहीं होती कुछ जो जो देते पच्चीस हजार कभी, कभी पचास हजार कभी लाख रुपए बस वो तो नहीं होता है लोगों को लगता है ना पता नहीं कितने क्या क्या पैसे मिलते होंगे फिल्मों में गाने के पैसे ही नहीं मिलते आई मीन उ द कल्चर एज बिन अब मैं यही बात बोलूं कि एक बात बताओ मुझे अगर एक्टर्स को फिल्म के पैसे मिलने बंद हो जाएं अगर फिल्म डायरेक्टर्स यही सोचें कि यार ये तो एंड से कमा लेगा ये तो अपने टूर्स से कमा लेगा इसको फिल्म के पैसे ना दो जो फिल्म हिट देगा उसको ज्यादा एंडोसमेंट मिलेंगी तो एंडोसमेंट फॉर एक्टर्स एंड शोज फॉर सिंगर्स आर बाई प्रोडक्ट उनको शोज मिलते हैं गानों से <laughs>

इनसिक्योरिटी भी होती है कि यार अगर मैं नहीं करूंगा ना तो कोई और कर तो कोई और कर लेगा एंड जनरली लोग करते हैं ऐसा कि चलो ये नहीं आ रहा ये काम कानपुर इसको बुला लो बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन सो लॉट ऑफ सिंगर्स जिन्होंने अपने काफ़ी बार मतलब सोनू जी बोलते भी हैं कि वो उन्होंने अपने पीक पे ये मूवमेंट के बारे में कहा था इस, इस बारे में नहीं बट रिगार्डिंग सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए इस बात के ऊपर उन्होंने काफ़ी मूवमेंट इसरा एक इंडियन सिंगर्स एसोसिएशन uh, उन्होंने फॉर्म करी है तो चीजें हो रही है इसके ऊपर बट कुछ लोग इसके बारे में नहीं बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं बट आई जस्ट फील कि इट्स नॉट राइट right. जैसे अभी अरिजीत का भी मैंने कोई इंटरव्यू देखा था तो उसमें वो कहता है यार कोई सिंगर को अगर वो काम करता है उसको पैसे मिलने चाहिए yeah, exactly, was वो दिल से करता है वो वो करता है करती है वो जब आते हैं बट देर इज नो स्ट्रक्चर जैसे आप यूरोप यूके में यूरोप में जाओगे ना तो एक वायलिन वाला आएगा तो उसकी सर्टन फीस होती है इतने घंटे की इतनी फीस इतने घंटे की इतनी फीस यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा हमारे इस इस सोसाइटी में में कंट्री ऐसी चीजें चलती आ रही हैं। है कि अगर कहते हैं कि अगर इंडिया में रॉयल्टी सिस्टम सही होता तो मेरा आज चार्टर प्लेन होता खुद का ही द अमाउंट ऑफ हिट्स इज डिलीवर्ड ओवर लास्ट ट्वेंटी

जितनेोग्राम जितने आपको पता है मेहनत करते हैं उनको सबसे कम पैसा मिलता है उनको फेम भी नहीं मिलता, मिलता। आधे लोगों को तो पता नहीं होता है कौन कंपोजर सेम थिंग एज राइटर्स सेम विस राइट राइटर्स आर द क्रिएटिव ब्रेन बी एवरी डायलॉग एवरी फिल्म एवरी स्टोरी बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली केयर अबाउट दैम

उसको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे डालते रहो डालते रहो डालते रहो किसी को बहुत ज्यादा फॉलो मत करो क्योंकि उसकी जर्नी उसकी जर्नी रही है आपकी जर्नी आपकी जर्नी रही है सो जस्ट डू दैट वो कहते ना ये इसको फॉलो करो उसको विस्व को फॉलो करने की यू फॉलो जस्ट डू योर ओन थिंग इज द प्रोसेस टू मे बी मेक इट अर देर इज नो प्रोसेस एवरीबडी एज अ डिफरेंट प्रोसेस एवरीबडी एज अ डिफरेंट जर्नी यू मेरी रियलिटी शो से शुरू हुई किसी की प्लेबैक से शुरू हुई है किसी की रेस्टोरेंट में गाने से शुरू हुई है कोई कहीं कुक था कोई कहीं इंजीनियर था तो सबकी जर्नी अलग है सब कहीं ना कहीं अपने अल्टीमेट गोल्स तक पहुंच जाते हैं जब इफ इट्स रिटन इन योर डेस्टिनी ओके सो राहुल व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई हैव लॉट ऑफ सॉन्ग्स टू बी थाउजेंड इन 2024 जनवरी में मेरा पहला गाना रिलीज होगा जिसका नाम है किन्ना सोना इन जनवरी इट्स गोइंग टू बी आउट गाइस चेक इट आउट Okay. We've shot the video video in Bali. Okay. Uh, beautiful amazing yeah. amazing tune and बहुत, बहुत and It sounds like Yeah फिर एक पंजाबी गाना है जो मैं मार्च में निकालूंगा फिर अप्रैल में थोड़ा एक पार्टी सॉन्ग है उसको निकालूंगा एक, uh, एक या, दोस्ती के ऊपर एक गाना है जो मैं मे में निकालूंगा सो आई थिंक मंथ का मेरे पास एक एक सॉन्ग है अमेजिंग ऑल द बेस ओके राहुल सो वील डू समथिंग फन नाउ वी वील डू अ कैंडिड कन्फेशन राउंड सो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू रिप्लाई विदिन थ्री सेकेंड्स एंड हाउ हॉनेस्ट यू हैव टू बी वेरी हॉनेस्ट एस हॉनेस्ट एस पॉसि� Ready. Okay. So, uh, one embarrassing moment uh, from the stage. मैं stage पे क्या मेरे zip खुली हुई थी. My zip was open and there were 80,000 people in front of me. Most heartwarming fan interaction. There have been many, but uh, 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 there was a girl who had specially flown in from Bangladesh and वो मुझे मिली and उसने उससे मुझसे मिलने आई थी and वो रात भर station पे सोई and मुझे दूसरे दिन मिली.

People close to you also don't understand. Oh. Okay. Uh, best thing about being married? Uh, you come home to somebody uh, very nice. You can share everything with her, good or bad. And you wake up with someone and you go to sleep with somebody who's just so beautiful. And it's the best feeling. And then she gives you the most beautiful gift that you can ever ask for. What's one regret in life? I don't have touch wood, but I don't have any regrets. Okay. Can't think of anything. Okay. What's one thing you're most proud of? The way I take care of my family, and the way my priorities are clear about my family and close friends. Okay. Celebrity crush? Kiara Advani. One advice you'd give to your younger self, seventeen-year-old self, maybe fourteen-year-old self? That be a little diplomatic. डिप्लोमैट पी एटल डिप्लोमैटिक मैं हमेशा मैं ना बहुत ज़्यादा ऑनस्ट था इसलिए लोग मुझे गलत समझ बैठे कि यार ये तो ऐसा है ये तो वैसा है बट लोगों को ना सच्चाई हजम करने की या सच्चाई सुनने की बहुत आदत नहीं होती बट आप बहुत ज्यादा अगर ब्लैटली सच बोल दोगे ना तो आप रूर कहलाए जाते हो यार ऐसा है वो तो उसने कुछ गलत नहीं कहा बट लोगों को अक्सर एक किस्म की बातें सुनने की आदत होती है तो आई विश आई वॉज अ लिटिल डिप्लोमेटिक वेन आई वॉज यंगर तो जो लोग मुझे थोड़ा मिस मुझे मिसअंडरस्टैंड जो कर किसी कुछ लोगों ने किया है जो अब एकदम बढ़िया से अंडरस्टैंड करते हैं मुझे वो अब इतने सालों जब मुझे देखते हैं तो कहते हैं यार नहीं ये ऐसा नहीं है तो वो गलत थे मैं गलत नहीं वो गलत थे आपने दस साल पहले एक बात बोली थी मेरे को आज जाके रियलाइज राइट थे सो मेनी ऑफ देम आई कॉन्ट नेम दैम फेमस पीपल

Let's leave. And I very abruptly said, let's leave. And she was like, what? I said, let's leave. I said, I, th I don't think our vibe matches. But, what did you say? Like how you, wrote? just just the way you said it, let's leave? Or? I said, I, I don't think our vibes are matching. I Can I call for the check? This is within like first five minutes. Haan. Your guilty pleasure. Guilty pleasure. I think eating sweets. Which one person you'd like to swap your life with? Swap my life switch. for with? Say, huh? For a day. For a day, yeah. Mukesh Ambani. Oh, Mr. Mukesh Ambani, because I want to feel what does he wake up with, and what does he sleep with. But मैंने उनको जाना है, so I know he's very simple. उनके घर पे मैं show कर रहा था, perform कर रहा था, and वो show खत्म हुआ. कहते Rahul आओ ना तो ये मेरा मतलब ऑलमोस्ट हाथ पकड़े को ले गया मुझे एंड सीता सीता फल की कुल्फी खा रहे थे कहते खाओगे तो मैंने कहा मैं देखना चाहता था मुकेश अंबानी जब पुल्फी खाते हैं तब कैसे खाते हैं मतलब वो भी नॉर्मल हमारी तरह ही खाते हैं या उनका स्टाइल कुछ अलग होता है वो चम्मच से पुल्फी खाते हैं या क्या खाते हैं कुछ नहीं बढ़िया से उन्होंने स्टिक पकड़ी है और ऐसे अपना खाने लग गया था खाओ ना खाओ ना मेगा नहीं नहीं सर एंड वो यार इतने पता है जितना वो कहते हैं ना जितना बड़ा आदमी उतना झुका हुआ यू नो वो चाहे तो कौन सा कपड़ा कौन सा ब्रांड पहन सकती सकते वेरी सिंपल कुर्ता पैजामा नीचे कोल्हापुरी चप्पल पहनी थी उन्होंने एंड ही वॉज मतलब मैं बहुत आई मीन रिस्पेक्ट एंड आई फॉलो समथिंग दैट ही चाहता हूँ सबको वी चेज मनी डोंट चेज मनी चेज एक्सलेंस आप जो करते हो अगर आप उसमें एक्सिलेंट होना जैसे अगर मैं सिंगिंग या मैं परफॉर्म करता हूँ इफ आई एन एक्सेलेंट इन माई परफॉर्मेंस मनी विल ऑटोमेटिकली कम इफ यूर एन एक्टर इफ यूर अ डांसर इफ यूर अ पेंटर इफ यूर अमरा मैन इफ यूर अकअप पर्सन If you're excellent in your, if you're a designer, stylist, whatever, if you're excellent in what you do, people will come to you and money will come to you. You don't have to run behind money. So, this was my first interview in and I followed it to the core. If you had to choose one, what would you pick singing or composing? Singing. 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 Okay, your happiest memory. I think my happiest moment was uh, when I got married to Desha. And, uh, जुलाई so, बहुत बारिश हो रही थी मुंबई में आधे गैस तो पहुंच ही नहीं पाए थे बट आई थिंक दैट वॉज ब्यूटिफुल मोमेंट एंड द डे गोट टू नो शीज प्रेगनेंट उसट डे वॉज मैसे स्क्रीन शॉट लिया था वीडियो कॉल पर दिशा ने मुझे बताया था कि यू आर गोइंग टू बी ए फादर एंड वो मैंने हम दोनों की मोमेंट्स uh, कैप्चर कर ली थी सो दिसरी वेरी हैप्पी and how about your when the first time you held your baby maybe? every time i hold my baby first time to thai first time i was too overwhelmed to realize ki kya ho ra hai. so i think wo a great moment nahi tha, because wo just hi huithi, too new but every time i hold her nowadays that's the best moment best composer in the industry i think uh, pritham one lesson you learned the hard way डोंट गिव योर हार्ड एंड मनी टू एनी बड़ी लोग आपसे पैसे लेते वक्त बहुत अच्छे होते हैं एंड फिर आपको आपका ही पैसा लेने के लिए वो बहुत सताते हैं डोंट गिव यर मनी टू एनी बड़ी बेस्ट सिंगर इन द इंडस्ट्री बहुत हैं रफी साहब किशोरदास सुरेश जी हरिहरन सोनू जी के एंड 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 अरिजीत ओके सो दिस इज द लास्ट वन योर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग ऑल अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभिंग भरा नहीं अभिंग अभी तो आय हो बाहर के छ अब जरा बहक तोले नजर जरा बहक तोले ये शाम ढल तोले जरा ये शाम ढल तोले जरा ये दिल संभल तो तोले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लो नशे के घोट पे तो लू अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिना नहीं बाई गुज इट्स इट्स जस्ट सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग उफ मतलब पुराने गाने आई थिंक मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तो अ डिफरेंट मैजिक कुछ तो है यार, यार कुछ तो है कुछ तो है, तो है। कितने सारे हैं मतलब हसीरा के फिर हसी रात ना शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो That piece. Um, amazing. Amazing. So this is the end of the show. Thank, Thank you. you so much. I do want to say Jao but I will have to. I will have to let you go. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. It's a pleasure being on this lovely show on Famous TV. Let you. Uh, all mine. बड़ा मजा आया थैंक यू फॉर द लवली कॉफी थैंक यू फॉर द बिस्किट्स एंड या वी अ ग्रेट टाइम